हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेम जीगू। आज हम बनाने वाले हैं बाजरे के वड़े, जो विंटर यानी कि ठंडी की सीजन में खाए तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बाजरी शरीर को अंदर से गर्म रखता है और गैस, एसिडिटी और अपचय जैसी समस्या को भी दूर रखता है। तो इसे अगर हम ठंडी में खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम इसी के वड़े बनाएंगे। ये खाने में इतने टेस्टी और डिलीशियस होते हैं कि बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। आप उसको स्नैक्स में या तो फिर आप उसको लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। ये हेल्दी भी है और अच्छे भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बाजरे के वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप बाजरे का आटा, जो आपको कहीं पे भी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा या तो फिर आप इसको पिसवा सकते हो। 1/2 कप मैंने लिया है मकई का आटा यानी कि कॉर्नफ्लोर, ये भी हेल्दी होता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उससे भी 1/2 कप यानी कि 1/4 कप गेहूँ का आटा। तो मैंने सारे आटे यहाँ पर मिक्स लिए है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश हरी कटी हुई मेथी, उसको मैंने बारीक काट लिया है, चॉप्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा लहसुन, क्योंकि ये भी इसका टेस्ट भी इसमें बढ़िया लगता है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फिर अदरक मिर्च की पेस्ट। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल, खाने का तेल। इससे क्या है कि वड़े एकदम नरम बनेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लेमन जूस, आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुड़। गुड़ आपको डालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और ये थोड़े खट्टे मीठे बनेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पे मैं थोड़े से व्हाइट तिल डाल रही हूँ, इसमें उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसका हम एक आटा गूंद लेंगे। सबसे पहले हमने सारी जो चीज़ें डाली है उसी को अच्छे से हमें हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने ऑयल वगैरह डाला है वो अच्छे से आटे के हर एक कण में अच्छे से घुल जाए, मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हाथों से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि जो सारे मसाले है, मेथी है, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें उसका टेस्ट अच्छा है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप छाछ यानी कि बटर मिल्क। इसमें ये डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा और ये एकदम अच्छे बनेंगे। आप छाछ की जगह पे आप यहाँ पे दही का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप इसके बदले दही का यूज़ कीजिएगा। तो अब मैंने 1/2 कप ही यहाँ पर वो ली है छाछ। अब उसके बाद हम यहाँ पर आटा गूंदने में पानी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी ले लिया है, पर हमें यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जैसे इसके आटे गूंदने में ज़रूर पड़े। हमें एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, वरना क्या होगा कि हमारा आटा बहुत ही एकदम सॉफ्ट बन जाएगा, फिर अच्छे वड़े नहीं बनेंगे। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है, पानी हमें ज़रूरियात के हिसाब से ही डालना है और इसका हमें अच्छे से एक आटा गूंद लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे अच्छे से ऐसा आटा गूंद लिया है और इसकी मैंने इस तरह की सॉफ्टनेस रखी है, ना ज़्यादा ना कम। अब इतना 1/2 ही कप मैंने लिया था पानी, उसमें भी 1/2 कप बच गया है, मैंने 1/2 कप का ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल दूँगी यानी कि 1 चम्मच। इसे हमें अच्छे से वापस से आटे को इसे कूट लेना है। उससे क्या होगा कि हमारे आटे में थोड़ी नमी बनी रहेगी। इसको 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट दे दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक चकला ले लिया है, उस पर हमें रखना है एक गीला कपड़ा। हमें कपड़े को निचोड़ के एकदम, वैसे गीला है पर एकदम ड्राई टाइप लगे, ऐसे ही हमें रखना है। और इसके ऊपर अब हम एक छोटा सा पेड़े साइज़ का, आपको जितनी साइज़ के बनाने हो वड़े उतनी साइज़ का आप एक पेड़ा ले लीजिए। उसको ऐसे हथेली की मदद से ऐसे दबा दीजिए, या तो आप इस तरह से इसको आप वड़े बना सकते हैं। मैं आपको कपड़े पे ऐसे ये पेड़ा रख के हाथों की उंगलियों की मदद से ही दबाना है इस तरह से, या तो फिर आप इस तरह से बना सकते हो कि आपको हाथ की, जैसे हम रोटला करते हैं ना, उसी तरह से अंगूठा और 2 उंगली की मदद से हमें ऐसे करते रहना है। और साइड की किनारियाँ हमें पतली रखनी है, वो ज़्यादा हमें मोटी नहीं रखनी है, वो खास ध्यान रहे, वरना क्या होगा कि ये एकदम
अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें थोड़ा सा पानी लेना है और ये पानी वाला हाथ उंगली हमें पानी वाली कर लेनी है और ये वाइट तिल को हमें ऐसे गीले आंगलियों पे लगा लेना है और उसके बाद वड़े पे ऐसे चिपका देना है। वरना क्या होगा कि आप अगर ऐसे ही ऊपर तिल लगाओगे तो सारे तिल अब जब इसको फ्राई करोगे तो वो निकल जाएंगे, तो वो रहेंगे नहीं। तो खास ये टिप्स है कि आपको तिल जब लगाने हो तो उंगलियां आपको गीली करनी है पानी से और ये कपड़ा भी आपको गीला रखना है ताकि आप देख सकते हो कि ये कपड़े पे चिपका नहीं। और इसी तरह से हम बाकी के भी वड़े बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ऐसे आप चकले पे कपड़ा रख के भी इस तरह से भी कर सकते हो। साइड की किनारी हमें पतली कर लेनी है तो उसको साइड से हमें उंगलियों की मदद से दबा देना है और बीच में भी आप मीडियम थिकनेस ही रखना। फिर हमें यहाँ पे वापस से पानी वाली उंगली कर लेनी है और तिल हमें ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे तिल ले लिए हैं उंगली पे और मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ऐसे हमें थोड़ा सा प्रेस करके उसको तिल को ऊपर लगा लेना है ताकि क्या होगा कि हमारे तिल अच्छे से इस पे चिपक जाएंगे। इसी तरह से सारे वड़े हमें रेडी करके रख लेने हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे के सारे वड़े रेडी कर लिए हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो अब हमें इसको करना है फ्राई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने तेल गरम कर लिया है। तो अभी इसमें हमें क्या करना है कि हमें तेल एकदम धुआं निकले इतना हाई गरम नहीं करना है। यहाँ पे तेल भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही गरम रखना है और यहाँ पे अभी हमें डाल देने हैं इसमें वड़े धीरे धीरे करके, जितने आए उतने आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और खास ध्यान रखिएगा, आपको तेल एकदम हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है, आपको तेल की मीडियम ही गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। वरना क्या होगा कि आप वड़े डालोगे और वो तुरंत ही इससे पक जाएंगे और वो बाहर से एकदम ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन, और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है। ये करने में आपको कम से कम, फ्राई करने में आपको 3 से 4 मिनट कम से कम लगेंगे। तो आपको इसी तरह से इसको फ्राई करना है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसको रख देना है। तो आपको इसी तरह का खास ध्यान रखना है, वरना क्या होगा कि अंदर से एकदम कच्चे रहेंगे आटे जैसे। तो मेन उसको फ्राई करना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसको हमें ऐसे एक प्लेट में अब हम इसका तेल निचोड़ के निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कितने मस्त हमारे वड़े बन के रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के वड़े भी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे वड़े बन के रेडी हो गए। आप इसको स्नैक्स में, सुबह नाश्ते में, और बच्चों को भी आप लंच बॉक्स वगैरह में दे सकते हो। ये खाने में बहुत ही खट्टे मीठे टेस्ट वाले होते हैं, थोड़े तीखे भी होते हैं, तो ये खाने में बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आप भी घर पे इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये विंटर में खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो चलो, आप घर पे ट्राई करके मुझे बोलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।